हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। टेक महिंद्रा का ऑफ कैंपस का नोटिफिकेशन आ गया है और लास्ट डेट 22 जनवरी 2019 है। उससे पहले पहले अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बीई, बीटेक, एमसीए, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांच एलिजिबल हैं। इसके अलावा और कोई ब्रांच एलिजिबल नहीं है। कोई आपको इसके लिए चार्ज नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ये सारे जो भी ऑफ कैंपस होते हैं, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अब आपकी जो जो क्वेरी होती हैं वो सारी क्वेरी अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जो आपका पोस्ट है उसका नाम क्या है। पोजीशन है आपका एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, और इसके साथ साथ जो बैच मांगा गया है वो है 2017-2018। सैलरी आपका जो मिलेगा 3.25 लाख पर एनम। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया ऑफिसेज। इसके अलावा देखिए, जो आपका टेस्ट सेंटर होगा, मतलब कि आपको जो टेस्ट देना होगा वो कहाँ कहाँ पर हैं, दिल्ली एनसीआर या फिर ग्रेटर नोएडा, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद, इन जगह पर आपका टेस्ट होगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, और जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा लास्ट डेट 22 जनवरी, बिकॉज़ मैं जब भी वीडियोस अपलोड करता हूँ उसके बाद कुछ कुछ लोग बाद में सो कर उठते हैं तो बाद में कहते हैं ये जॉब का लिंक ओपन नहीं हो रहा है। आप गलत न्यूज़ दे रहे हो भैया, बहुत जल्दी ये सब लिंक्स एक्सपायर हो जाते हैं। 1 वीक 15 दिन 20 दिन बस इसके बाद ये सारे लिंक्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी अप्लाई करिएगा। इसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी मेल पर सारी डिटेल आएगी कि आपका एग्ज़ाम कब है, क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस अभी हम आपको बता दे रहे हैं। इसके अलावा आपकी मेल पर जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके ठीक 1 वीक पहले आपके पास मेल आ जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट कर लिए गए, भैया रेडी हो जाइए, आ जाइए, एग्ज़ाम दे लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 2017-18 बैच, बी बी टेक सी एस सी ई आई टी ई सी ई एन टी सी टेलीकॉम कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एम सी ए। इसके बाद बोला गया है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड आउट क्वालिफाइंग कोर्स इन 2017-18 विदाउट एनी बैकलॉग, शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एस एस सी 10th 12th डिप्लोमा या फिर बी ई बी टेक एम सी ए। मतलब कि 10th में 12th में डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में, और इसके साथ साथ जो भी आपके पास डिग्री है इन सभी में 60% मार्क्स होना चाहिए। और 2018 बैच वाले जो हैं, जिनका अभी भी कोई बैकलॉग चल रहा है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और 1 साल का गैप होना चाहिए आपका, मतलब कि जब से आपने 10th किया है तब से लेके आपका ग्रेजुएशन तक में बस 1 साल का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। सेलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए क्या है। कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द रजिस्टर्ड लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश एसे ऑब्लिक स्टोरी, टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू, विद ईच ऑफ दीज एक्टिंग एज फिल्टर फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑन सेलेक्शन प्रोसेस। ऑल राउंड्स विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। एक ही दिन ये सारे आपके टेस्ट होंगे, एप्टीट्यूड, इसके अलावा इंग्लिश का अगर जो भी होगा, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ये सब एक ही दिन होगा। इसके अलावा बोला गया अगर भैया किसी के पास ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं, ओसीपी, एमसीपी, एडब्ल्यूएस, आरपीए, एसएपी, कोर्सेरा, इन क्रेडिट मोड, एडेक्स इन क्रेडिट मोड, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। टेस्ट एंड इंटरव्यू लोकेशन, टेस्ट एंड इंटरव्यू लोकेशन वुड बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओवर अ मेल मिनिमम 1 वीक प्रायर टू डेट ऑफ टेस्ट। अभी हम आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपके ये टेस्ट सेंटर हैं, ये सारे वहाँ पर शो करता है, आपको जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, पहली चीज़ तो ये है, 6 मंथ्स का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, और प्रोबेशन पीरियड में जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपको दिया जाएगा 2.6 लाख पर एनम, ठीक है। जब ये आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने बाद, तब आपका सैलरी हो जाएगा 3.25 लाख पर एनम। और यहाँ पर बोला गया है आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड देना होगा
किस लिए बॉन्ड देना है कि भैया आपको 2 साल से पहले ये जॉब नहीं छोड़नी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कैंडिडेट विल हैव टू साइन एन इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर INR 1 लाख फॉर अ मैंडेटरी पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी। इसके बाद बोला गया है ड्यूरिंग प्रोबेशन कैंडिडेट विल अंडरगो यूनिट स्पेसिफिक क्लासरूम ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग शेडोइंग ऑल एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। कैसे अप्लाई करना है भैया, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसका ऑनलाइन लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए, यहाँ पर भी ये पोस्ट अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो मैं आपको अभी सामने दिखा देता हूँ। और ध्यान रखिएगा 22 जनवरी से पहले ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। जो कुछ भी है बाकी इन्फॉर्मेशन सब आपके ईमेल पर आएगी एग्जामिनेशन डेट से ठीक 1 वीक पहले। चलिए एक बार ज़रा इनकी वेबसाइट पर हम आपको दिखा देते हैं। जब आप उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का नया पेज आपके सामने ओपन होगा, ये आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बोला गया है कैंडिडेट्स हैविंग एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी नॉन UGC अप्रूव्ड नॉन AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और अ नॉन रेगुलर स्कॉलर, मतलब कि करेस्पॉन्डेंस कोर्स ऑनलाइन कोर्स पार्ट टाइम स्टडीज आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट एंड सेलेक्शन। पार्ट टाइम वाले भैया नहीं चलेंगे, ये आपके एलिजिबल ब्रांच है CSCE, ITEC, ENTC, टेलीकॉम कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर दे दिया गया है 60% भैया कहाँ से, 10th 12th डिग्री डिप्लोमा जो कुछ भी है MCA वगैरह सब में 60%। इसके अलावा 2017-2018 बैच सिर्फ यही मांगा गया है। आपको अपना जो भी स्कोर लिखना होगा, मार्क्स बताने होंगे, सब परसेंटेज में लिखना होगा, CGPA में नहीं लिखना होगा। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है यू मे बी कॉल्ड इन टू अपीयर फॉर टेस्ट एंड इवेल्यूएशन प्रोसेस इन अबाउट 1 से 2 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। सपोज आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2 हफ्ते बाद 2 वीक्स के बाद हो सकता है आपको बुला लिया जाए। और यहाँ लिखा गया है यू मे बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। इसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, ये बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर ये टेस्ट लोकेशन चेंज हो सकता है क्या, टेस्ट सेंटर चेंज हो सकता है, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन केस यू हैड अपियर्ड अर्लियर फॉर टेक महिंद्रा फ्रेशर रिक्रूटमेंट ड्राइव इन द लास्ट 6 मंथ प्रिसीडिंग दिस रजिस्ट्रेशन यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर दिस ड्राइव, ठीक है। अगर आपने अप्लाई कर दिया 6 महीने का से ज़्यादा का गैप हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पर लिखा गया है टेक महिंद्रा डज नॉट चार्ज एनी फी और पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर आपको टिक करना है आई हैव रेड एंड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड विल एडहेयर टू द सेम, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कुछ आपका इस तरह से एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ऑब्लिक MCA कैंडिडेट्स और इधर है साइंस ऑब्लिक डिप्लोमा, तो वो भैया अभी ओपन नहीं हुआ है, इंजीनियरिंग MCA वाले पर क्लिक कर दीजिए जहाँ लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर। ये ओपन हुआ कुछ इस तरह से, इस पर टिक करिए, कंटिन्यू पर क्लिक करिए, अब ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भरिए, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर है तो भरिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए 12th 10th। और यहाँ पर कैप्चा दिया गया, इसको डाल के रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। अब प्रेफर्ड लोकेशन फॉर टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू देख लीजिए, आपके सामने आ रहा है बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली NCR, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, ये 6 लोकेशन है। यहाँ पर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और एग्जैक्ट जो आपका वेन्यू होगा वो आपकी ईमेल पर आएगा। बाकी सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं आपकी ईमेल पर एग्जामिनेशन डेट से ठीक 1 से 2 वीक के पहले पहले आ जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।